मनरेगा कानून के तहत कानून जातिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद सुरिया ब्लॉक के सारा गांव निवासी लालजी मुसहर सहित 25 परिवारों को जातिगत भेदभाव के चलते पिछले 5 साल से काम नहीं मिल रहा है, जिससे इन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। का दिक्कत बा साहब? दिक्कत यही बा काम धंधा का, कोई भी काम आवत है नरेगा का हर एक बात का हम लोग ना पाए थे। कब से नहीं पाओ थे? 5 साल पिछले योजना से। तो काम मांगेगा क्यों लगे? काम प्रधान से मांगा जाता था तो प्रधान कहते बस भैया आ जाए काम तो तुम्हें दे। साल भरे में आए काम तब मिले हर ओहर 6-7 दिन ना ही तब बंद हो जाता काम। पहले ही दूसरे दूसर के करे दूसर बिरदारी काम करे तब करे बाद तब हमारा सब पुछारू होए। अरे करे बीच जब काम आ जाए तो क्यों पूछबे न करे, जब वो रावता हो लागे काम का तब वही सब पूछे लगे। तो अगर नरेगा में काम मिल गए लगातार आपके तो क्या फायदा हुए? फायदा यह हुआ साहब सरकार की हम सब अपन गदेली गदेला कम से कम खट के जिया खिया लिया जाए। का दिक्कत बाप के साहेब? जो बाकी हमारे सबके काम धंधा ना मिल जाता, 5 बरस के बाद हमारे सबके केवल 10-15 दिन काम मिला, ओकरे बाद ना मिला काम साहेब। का किया ये बैठे है, लड़कियाँ सब खाए बिना मरता है। काम मिले तो फायदा होए सब जमन बाग पेट चले जियावा जाए घर द्वार छावा बनवा जाए, ये फायदा मिले आराम से रहा जाए। काम पावे के कह रहे आप लोग? काम तो बा लेकिन हमसे मिलते ही ना इन्हें भेदभाव सोचत हैं जमन बाकी भेदभाव हो जाए, पहले मुसहरन काम ना मिला था। मैं और मैं समझना चाहता है कि इन सभी परिवारों को जल्द से जल्द काम मिले ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि सुरिया ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94-44-51-25 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इन सभी मजदूरों को जल्द से जल्द काम मिल सके। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया नेट के लिए।